अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मलिक उमर अपनी न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। 4 से 5 दिन पहले मैंने आपसे बोला था कि आज जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो होगी अलॉय व्हील्स के बारे में, कि आप एक अलॉय व्हील कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए, जो कि फिर मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की और उसमें काफ़ी टाइम गुजर गया, मेरी कुछ मसरूफियात थी तो उसमें मैं फंसा हुआ था। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा आपके साथ मैं इस चीज़ को डिस्कस कर लूँ कि एक व्हील को जब आप पसंद करते हैं तो उसका उसकी जो रीडिंग्स होती हैं, स्पेक्स होती हैं, उसका क्या मतलब होता है। जिन स्पेक्स में आता है CB आता है, ET आता है और JJ आता है, PCD आती है और यही चीज़ें, ठीक है जी। तो शुरू मैं करता हूँ जी, एक मिसाल देता हूँ आपको। जैसे कि ये व्हील है मेरे पास, ये 15 इंचज़ है और ये है वॉलक्रेज का CE28, ठीक है। ये आप देख लें, इसका मैं आपको PCD बता दूं पहले, या चलो ऐसा करते हैं साइज़ आपको मैं बता देता हूँ। साइज़ जो है ये 15 इंचज़ है, ये 15 इंच इसका साइज़ है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 इंच का होगा, ये साइज़ है 15 इंचज़ का। इसमें 16 आते हैं, 17 आते हैं, 18, 12 इंच से लेके 24 इंच, 36 इंच तक भी आते हैं, लेकिन हमारे पास 15, 17 और 18 इंच की व्हील्स मौजूद हैं। तो ये साइज़ हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि PCD क्या होती है। PCD ये नहीं होता कि 4x100 है तो बस हाँ भाई ये PCD है। PCD एक नाम नहीं है, PCD एक पूरे स्पेक्स को डिफाइन करता है। देख ले, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 होल्स हैं, ठीक है जी। ये हो गया 8 हैं तो 8 / 2, ये 4 आ गया, ठीक है। ये 4 मल्टी PCD है, इसका मतलब है कि ये 100 PCD भी है और 114 भी है, ठीक हो गया जी। 100 और 114 मल्टी। अब 100 और 114 की रीडिंग्स क्या है इसमें, मैं वो भी आपको बता देता हूँ किसी सिंगल PCD व्हील के ऊपर, कि आपको इजीली समझ आ जाए। अच्छा ये देख लें, ठीक है, ये व्हील्स हैं। फर्ज करें ये, अब ये दो होल्स हैं, ठीक है। इसके इस होल से लेके ये होल जो है, इस होल के एंड तक जितना स्पेस होगा मिलीमीटर में, MM में ये काउंट होता है, उसको PCD कहते हैं। अब अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, एक इंची टेप आपके पास अगर हो ना जिससे आपको प्रॉपर एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल सके, तो इस कोने से इस कोने तक आप जब वो मेजर करेंगे तो वो 114 मिलीमीटर का होगा, जो कि PCD आपकी हो गई। ये 5 है तो 5 114। अगर अभी मेरे पास जो 100 PCD का अगर व्हील हो, ये देख ले, फ़र्ज़ करें, लेट सपोज़, या मैं ज़रा क्लियर जगह पर आता हूँ, ये देख ले, ये अगर फ़र्ज़ करें आपका 100 PCD जो कि करोला प्रियस वगैरह में आती है, लेक्सस वगैरह में, इस कोने से लेके इस कोने तक ये होगा जी, आप जब मेजर करेंगे ये 100 mm का होगा, तो ये 100 PCD हो गई। और 1, 2, 3, 4, 5 5 nuts हैं तो ये 5x100 हो गया। अगर ये 114 PCD होता तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आपको 114 mm का डिस्टेंस आपको देखने को मिलता, और 5 nuts हैं तो 5 × जिसको कहते हैं 5 × 114, तो 5 × 114 5 nuts हैं और हर नट के बीच में 114 mm का जो है गैप है। तो ये होती है आपकी PCD, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको PCD समझ आ गई है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ JJ, जो विड्थ होती है उसको JJ कहते हैं, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये मुझे पता है कि ये व्हील मेरे पास 9 JJ का व्हील है, लोग यहाँ से लेके यहाँ तक वो उंगलियों से दिखाते भी कि यहाँ से यहाँ तक आप इंची टेप डालो तो वो 9 JJ होगा। नहीं, ये सिर्फ गुमराह करने वाली बातें, ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। जब तक आपको एग्जैक्ट चीज़ पता ना हो तो भाई आप अगले को ना बताओ। यहाँ से यहाँ तक आपने मेजर नहीं करना, ये आपका कम से कम 11 से 12 इंच का आएगा। जब भी आपका अलॉय व्हील आपने JJ मेजर करना है तो ये बीड होती है, ठीक है जी, ये बीड होती है, इस बीड से लेके इस बीड तक आपने मेजर करना है, तो ये होगा जी 9 इंच का। तो इसको विड्थ कहते हैं। विड्थ आपकी यहाँ से नहीं मेजर होती, आपकी फर्स्ट बीड से मेजर होती है। जब फर्स्ट बीड से लेके सेकंड बीड तक आपका जितना इंचेस में डिस्टेंस होगा उसको JJ कहते हैं। अब ये 9 JJ का व्हील है। इस वक्त मेरे पास इंची टेप नहीं है, वरना मैं आपको मेजर करके दिखा देता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको जो इंच टेप होती है उसके साथ लाइव डेमो दिखा दूंगा, ठीक है जी। अब आते हैं ऑफसेट पे।
एक गाड़ी की फिटमेंट को बनाने में और बिगाड़ने में ऑफसेट का बहुत बड़ा हाथ है। आप फर्ज करें आपके पास इंडस करोला है, उसमें आपने 8JJ का व्हील लगाना है। अगर आप 8JJ में, मेरे पास किधर गया, ये NKRPF1 है, अगर आप 8JJ में ये रिम लगाएंगे तो ये गाड़ी से बहुत बाहर आएगा, मैं फिर आपको वजह बताता हूँ। और अगर आप गाड़ी पे ये भी 8JJ का रिम है आप ये लगाएंगे, ये अंदर जाएगा। क्यों? इसका ऑफसेट जो है पॉजिटिव 20 है, ये ज़्यादा ऑफसेट में है। जितना ज़्यादा ऑफसेट होगा उतना व्हील आपके फेंडर आर्चेस के अंदर जाएगा, इसका ऑफसेट जो है वो जीरो है, तो ये कम हो गया ऑफसेट। ठीक है, जितना ऑफसेट कम होता जाएगा, जीरो होगा या जीरो के बाद फिर नेगेटिव में जब जाता है तो वो उसका वो एक पहले से एक स्पेसिफाइड चीज़ है कि वो चीज़ वो व्हील आपका फेंडर आर्चेस से बहुत बाहर आएगा। अभी मैं आपको लाइव डेमो दे देता हूँ। ये व्हील है, ये वॉलक्रेज CE28 है, ठीक है जी। अभी इसका ऑफसेट मैं बताता हूँ, ये जीरो ऑफसेट है। जीरो ऑफसेट क्या होता है, आपका मान बच जाएगा हब रहा है, हब। मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। फ़र्ज़ करें कि ये अभी आपकी गाड़ी पे मैंने इंस्टॉल करना है, मेरा ये बंदा आजकल ज़रा जहाज़ बहुत उड़ाता है तो ये ज़रा कमज़ोर हुआ है, जल्दी करना है यार। अच्छा जी, ये मेरे पास, खैर हब तो मेरे पास 5 नट में है, तो आप सपोज कर लें ये 4 नट का अगर हब है, ठीक है, ये आपका व्हील जो है वो ये गाड़ी में के हब में कनेक्ट होता है, ठीक है। ये देखें, ये पीछे से मैंने हब लगा लिया, ये हब का, ठीक है, और इस नट्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा, ये देख लें, ये जब मीट हो रहे हैं जहाँ पे, इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर पॉइंट। जब सेंटर पॉइंट होता है तो वहाँ पर ऑफसेट आप कैसे मेजर कर सकते हैं, ये फेस है आपका, ठीक है, ये मीटिंग पॉइंट है हब के साथ, जितना ये इस वक्त जीरो ऑफसेट है तो ये बिल्कुल ये देखें और ये यहाँ पर है, रिम का बिल्कुल मिड जो है ना इसको जीरो कहते हैं, ये जीरो ऑफसेट है, ये अभी इधर है तो इसका मीटिंग पॉइंट इधर होगा, ठीक है, तो आपका इतना व्हील जो है ये गाड़ी से बाहर की तरफ आएगा। अगर इसका ऑफसेट होता जी, इसलिए इस जीरो ऑफसेट में इसकी लिप इतनी बड़ी है, अगर ये नेगेटिव में होता तो इसका ये मीटिंग पॉइंट यहाँ होता तो ये चीज़ और भी पीछे हो जाती, तो इसका लिप और बढ़ जाता, तो ये जीरो है। लेट सपोज अगर आपका ऑफसेट ये होता पॉजिटिव 10 तो ये थोड़ा सा आगे हो जाता, इसका ऑफसेट अगर होता पॉजिटिव 20 तो ये थोड़ा और आगे हो जाता, पॉजिटिव 30 तो ये थोड़ा और आगे हो जाता और इसकी लिप खत्म होती जाती, क्योंकि इसका मीटिंग पॉइंट ही इधर होता, ये चीज़ इधर ना होती ये इधर होती तो आपकी लिप जो है वो चली गई, ठीक है, तो व्हील आपका गाड़ी के अंदर की तरफ लग गया। तो ये मैंने एक जल्दी जल्दी मैं आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई भी होगी, और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं या यहीं पे आप कमेंट कर दें तो मैं आपको इंशाल्लाह और भी डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। तो ये व्हील होते हैं, अभी इंडस करोला पे आपका 8J जो है वो जीरो ऑफसेट में नहीं लगता, वो मज़ा नहीं करता, और आपका इंडस करोला पे 8.5JJ भी लग जाता है। क्यों लग जाता है, अब वेट्स क्रांजे है, ठीक है, ये इसका ऑफसेट है पॉजिटिव 25 तो ये काफ़ी रिम जो है, देखिए इसका मीटिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो आपका इतना रिम जो है ये पिछला हिस्सा ये गाड़ी के अंदर की तरफ होगा, क्योंकि ये 25 ऑफसेट है, ये देख लें ये एक ही मीटिंग पॉइंट है। अगर इसका ऑफसेट जीरो होता तो ये यहाँ पर ना होता, ये यहाँ पर होता, तो देखिए इतना ये तकरीबन 3 इंच और भी बाहर आ जाता तो ये इंडस पे काम ना करता। अब ये सिविक पे काम अच्छी तरह करता है क्योंकि सिविक के फेंडर आर्चेस ज़रा बड़े होते हैं। तो ये ऑफसेट का सारा मतलब था, आप जेजे के हिसाब से, अपनी गाड़ी के हिसाब से और ऑफसेट के हिसाब से अपनी फिटमेंट खुद बना सकते हैं, थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है। और जो छोटी गाड़ियाँ हैं मैं आपको जल्दी से बता दूँ क्योंकि वीडियो मैं नहीं लंबी करना चाहता, जैसे कि इंडस वगैरह हो गई वो ज़्यादा ही लोग बनाते हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जो ऑफसेट है मैं जो प्रेफर करता हूँ 8J में कम से कम वो 10 से ऊपर हो पॉजिटिव, ठीक है, तो अच्छी फिटमेंट आएगी। अगर कैम्बर करनी है तो फिर जीरो भी आप लगा दें, और अगर 8.5 तक हो तो वो आप 25 ऑफसेट से कम या 20 ऑफसेट से कम आपने नहीं लेना, 9J आप ना लगाएं, 9J विड्थ में ज़्यादा हो जाता है, उसका फेंडर रूम ही ख़त्म हो जाता है। EK वगैरह हो गई, उसमें 9J भी ईजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी, 9J आप इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो जीरो ऑफसेट ही क्यों ना, लेकिन वो कैम्बर होगा। अगर 9J में आप करेंगे 20-25 ऑफसेट तो वो आपका फेंडर आर्चेस के ऊपर आएगा, अगर 8J में आप जीरो ऑफसेट करेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी आपके फेंडर आर्चेस के अंदर आएगा। डिपेंड करता है कि आपके फेंडर आर्चेस कितने खुले हैं और कितने बंद हैं।
तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।